दोस्तों अगर आपने अपना न्यू अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन करवाया है और दोस्तों आपने अपने उस अकाउंट पर एटीएम कार्ड भी बनवाया था या फिर दोस्तों आपने न्यू एटीएम कार्ड के लिए बैंक में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरा है या फिर आपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन से न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई किया है लेकिन दोस्तों आपके घर पर अभी तक भी एटीएम नहीं आया है तो आपके मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि हमारा नया एटीएम कार्ड हमारे घर पर कब तक आए। So, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जब आप अपना न्यू एटीएम कार्ड बनवाते हैं तो वो एटीएम कार्ड कितने दिन में आपके घर पर आता है और अगर आपके घर पर नहीं आता है तो आपको यहां पर क्या करना चाहिए जिससे आपके घर पर एटीएम कार्ड आ जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। So, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं यहां पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो एंड गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूं। अब दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। उस यूट्यूब चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वहीं पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एंड ट्रिक प्रोवाइड कराता हूं। अब दोस्तों हम यहां पर स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों जब भी आप यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप अपना न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें आप यहां पर न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एटीएम जो है दोस्तों नॉर्मली 10 से 15 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है लेकिन दोस्तों काफ़ी सारी कंडीशन में अगर 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पर आपका एटीएम कार्ड डिलीवर नहीं किया जाता है तो यहाँ पर कुछ 4 से 5 यहाँ पर रीज़न हो सकते हैं कि आपके घर पर एटीएम ना आया हो। दोस्तों पहला रीज़न जो यहाँ पर हो सकता है जब आप यहाँ पर बैंक में जाकर अपना न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर उस फॉर्म में अपना एड्रेस बिल्कुल सही फिल करना है यानी कि दोस्तों जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है बिल्कुल सेम एज इट इज एड्रेस आपको एटीएम कार्ड के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में आपको बिल्कुल सेम एड्रेस फिल करना है। अगर आप दोस्तों बिल्कुल सेम एड्रेस यहां पर फिल करेंगे तो आपका जो एटीएम कार्ड है वो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर बैंक की तरफ से डिलीवर कर दिया जाएगा, आपको यहां पर एटीएम मिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों दूसरा जो यहां पर तरीका होता है अगर आपके घर पर एटीएम नहीं आता है तो आपको यहां पर क्या करना होगा आइए आप जान लीजिए। दोस्तों दूसरे तरीके में जब आप अपने न्यू एटीएम कार्ड के लिए बैंक में जाकर अप्लाई करते हैं तो यहां पर दोस्तों जब 10 से 15 दिन के अंदर आपका एटीएम कार्ड आपके डाकघर में आ जाता है तो जो यहां पर डाकिया होता है वो आपके घर पर एटीएम कार्ड डिलीवर नहीं करता है तो दोस्तों आपको यहां पर 10 से 15 दिन के अंदर अपने नियर बाई डाकघर में जाना होगा। वहां पर दोस्तों आपको अपनी पासबुक एंड अपना आधार कार्ड लेकर जाना है एंड जो डाकिया आपके गांव में आपकी यहां पर डाक को सप्लाई करता है उसके पास जाकर आपको उससे बोलना है कि आपके पास मेरा एटीएम कार्ड आया होगा आप यहां पर चेक कर लीजिए तो वो आपका यहां पर आधार कार्ड एंड पासबुक से अपने कंप्यूटर में यहां पर चेक करेगा कि आपका एटीएम कार्ड उसके पास है या फिर नहीं। अगर उसके पास आपका एटीएम कार्ड हुआ तो वो एटीएम कार्ड आपको बाई हैंड आपको दे देगा, उसके बाद आप अपने एटीएम कार्ड का पिन बनाकर अपने एटीएम कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा यहां पर जो तरीका निकल कर आता है अगर आपके घर पर एटीएम नहीं आता है तो आपको यहां पर क्या करना होगा आइए आप जान लीजिए। दोस्तों जब भी आप अपना अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ओपन करवाते हैं तो यहां पर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहां पर जब आप अपने अकाउंट में एड्रेस फिल करते हैं तो एड्रेस फिल करते हुए आपको अपना पिन कोड बिल्कुल सही भरना है। दोस्तों पिन कोड एक ऐसी चीज यहां पर होती है जिस जगह पर आप रहते हैं वो उस जगह को यहां पर आइडेंटिफाई करती है कि उस जगह की लोकेशन यहां पर कहां पर है। तो आपको अपना पिन कोड जब आपका बिल्कुल सही भरेंगे तो जब एटीएम कार्ड आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा तो वो अगर आपका पिन कोड बिल्कुल सही होगा तो वो बिल्कुल 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। सो आपको यहां पर एटीएम कार्ड बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों चौथा तरीका जो यहां पर निकल कर आता है अगर आपका एटीएम कार्ड घर पर नहीं आता है तो आपको यहां पर क्या करना होगा आइए आप जान लीजिए।
दोस्तों जब आप यहां पर बैंक में जाकर एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से एक एसएमएस सेंड किया जाता है। उस एसएमएस में आपके एटीएम कार्ड का एक ट्रैकिंग नंबर होता है। उस ट्रैकिंग नंबर की हेल्प से आप इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आप अपने एटीएम कार्ड को ट्रैक कर लेंगे। तो वहां पर दोस्तों आपको आपके एटीएम कार्ड की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन शो हो जाएगी कि आपका एटीएम कार्ड इस टाइम यहां पर किस जगह पर है और वो आपके पास कितने दिन में डिलीवर किया जाएगा। दोस्तों इन चार तरीकों को फॉलो करके आप यहां पर बड़ी आसानी से अपना एटीएम कार्ड अपने घर पर मंगवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका एटीएम कार्ड 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पर डिलीवर नहीं किया जाता है तो ये पांचवा रीज़न हो सकता है कि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका एटीएम कार्ड आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाए। दोस्तों जब भी आप यहां पर बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको अपनी जानकारी बिल्कुल सही सही देनी है, यानी कि जो जानकारी आपके आधार कार्ड में या फिर जो भी आईडी प्रूफ आप उस फॉर्म के साथ लगा रहे हैं उसमें है वही बिल्कुल सेम लिंक अपने अकाउंट नंबर एंड आपको अपनी आईडी का नंबर बिल्कुल सेम एज इट इज आपको उस फॉर्म में फिल करना है। अगर आप बिल्कुल सही जानकारी उस फॉर्म में अपनी साझा करेंगे तो बैंक आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करेगा और आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करके 10 से 15 दिन के अंदर आपके रजिस्टर एड्रेस पर आपके एटीएम कार्ड को डिलीवर कर दिया जाएगा, जो काफी अच्छी बात आप सभी के लिए निकल कर आती है। तो दोस्तों मेरे बताए हुए इन पांच तरीकों को फॉलो करके अगर आपके घर के अंदर 10 से 15 दिन के बाद भी एटीएम नहीं आता है तो इन तरीकों को फॉलो करके आप अपने एटीएम कार्ड को बड़ी आसानी से अपने घर पर मंगवा सकते हैं। सो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंक से जुड़ी वीडियो एंड गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी वीडियो लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।